आप सभी का स्वागत है। और अभी बालों का कुछ सेटअप नहीं, मतलब बालों का कुछ हाल ऐसा है, अभी कपड़े मैंने चेंज नहीं करे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी काम खत्म होने को दे ही नहीं रहा। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या सेटअप यहाँ पे पड़ा है मेरी आंखों के सामने। तो ये है मेरा बेडरूम और ये है मेरा कैमरा बैकपैक जो कि है अपना, कौन सी कंपनी का था ये याद नहीं आ रहा। तो ये मेरा बैग है और ये उसके अंदर का सामान है। और ये कुछ सामान मैंने अभी नया खरीदा है, हार्ड डिस्क, लाइट, 2 मेमोरी कार्ड और क्या लिया था, बैटरी ली है और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको नहीं गिना सकता। ये कुछ मेरे नए शूज़ पड़े हैं और ये है ट्रैवलिंग किट जो कि हम अपनी कैंपिंग वाली सीरीज में भी लेके जाने वाले हैं। तो ये सामान को इस बैग में डालना है तो पता नहीं कितनी देर ये लगने वाली है। बहुत सारा ये सामान है और 2-3 पता नहीं 3 या 4-5 कैमराज में कैरी करने वाला हूँ। जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो अभी लगभग मेरे को 1 घंटा तो कहीं नहीं गया ये सामान सॉर्ट आउट करने में, तो एक बार सॉर्ट आउट करते हैं उसके बाद कपड़े चेंज करके आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पूरे 45 मिनट बाद हमारा जो सामान है सारा पैक हो चुका है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और ये तो पता नहीं कार में कैसे जाने वाला है। पीछे एक पड़ा नया ब्लैंकेट, एक सूटकेस है, कुछ डेकोरेशन का सामान और जो नीचे क्रेट है उसमें सारा ग्रोसरीज का आइटम है जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था। तो अभी इन 2 बैग्स के अंदर वायर्स वगैरह हैं और यहाँ पे सो रहा है कोको। सारे इसने नए सोफा का बैंड बजा दिया, पंजा मार मार के। बेड पे नहीं सोएगा, अपने उस पर भी नहीं सोएगा, सोना है सोफे पे। तो ये है अपने नए, मतलब ये तो अपना जो मेरा गद्दा जो मैंने बनवाया, बेडशीट है ये, मैंने नई है पिल्लो। और ये है अपनी मर्चेंडाइज कुशन जो कि काफी अच्छी लुक देंगे कार में पड़े हुए भी। ये बॉन्टेड, एवरीथिंग लुक्स बेटर इनसाइड हेलमेट, गो एक्सप्लोर डाउन हिल। और ये मेरा फेवरेट लेग साइड जो कि एक TVS एंटॉक को डेडिकेटेड है। तो ये सारे कुशन हैं जो कि जाएंगे गाड़ी में। तो ये सब सामान तो पड़ा है रेडी, बस हमने जब निकलना है इसको एक बार मैं सेट करके देखूंगा कैसे सेट होगा। तो अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ कुछ काम करवाने अपनी कार के अंदर, तो मिलते हैं फटाफट नीचे और आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी और क्या इसके अंदर मॉड्स कराए हैं। ये सब वीडियोस ना खत्म ही नहीं हो रही और बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आ रहा है। अगर आपको भी आ रहा है तो भाई 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में और 2 सेकंड लगेगा कुछ भी कमेंट करने में। अगर आप ज़्यादा लंबा टाइप नहीं कर सकते तो एक हार्ट का इमोजी भेज दो। तो देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितने कॉमेंट आते हैं और कितने लाइक्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अब जाके मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी का जो काम है वो 99.9% कंप्लीट हो चुका है और 0.1% अभी रहता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या काम है। तो ये तो है मेरे टायर के व्हील कवर, क्योंकि अभी अलॉय लगवाने का बजट नहीं था तो काफ़ी लोगों ने कहा एटलीस्ट व्हील कवर ही लगा लो। और ये कुछ बचा कुचा फोम है जो कि मैंने बेड बनवाया है जो कि पड़ा है अंदर, वो अभी अंदर से दिखाऊंगा आपको। और पीछे में यहाँ लगाई है मैंने टोस्टर, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेनी है तो ले लेना। तो ये चीज़ क्या है एक्चुअली मैं आपको रात में दिखाऊंगा, रात में आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से दिखेगा। तो हमारे जो कारपेंटर भैया थे जिन्होंने हमारी गाड़ी का जो पूरा कैंपर बेड का काम करा बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने काम करा, आप सभी लोगों को उनका काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और जो ये सेटअप है ना, पहले मेरे को बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, अभी ये मेरे को अल्ट्रा लाइट लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ। जो क्वालिटी है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, सोचा है कि जो उनका नंबर या उनकी कोई डिटेल है अपने लिंक में डाल दूँ ताकि आप लोगों को अगर कैंपर वैन करवाने या कुछ भी अपना इंटीरियर एक्सटीरियर वुड से रिलेटेड कुछ भी कराना तो आप उनसे करा सकते हो, बट मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उनसे बिना पूछे डाल दूँ, बट मैंने फिर एक ख्याल करा कि लोग उनको स्पैम ना करें कि लक्ष्य का नंबर दे दो। बहुत लोग होते हैं जो स्पैम करते हैं, मतलब उन्होंने परमिशन दी तो मैं आप सभी लोगों से नंबर शेयर कर दूँ। डेली आंसर में कुछ भी काम कराना हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। और अब बात करते हैं बेड की। तो वुडन बेड तो हमने तैयार करा लिया, बट उसके अंदर हमने डालना था गद्दा जो कि बहुत ही बड़ा हो रहा था, एक्सपेंसिव तो नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था और कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता और रखने की जगह उसमें गाड़ी में ना बचती। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो पीछे, अभी मेरी कार में ना सीट नहीं लगी हुई, ये है मतलब ज़मीन और उसके ऊपर ना ये 1.5 इंची की जो फोम होती है उसके नीचे मैंने एक बेस प्लाई भी लगवाई है। प्लाई इन द सेंस वो एक थर्माकोल वाली प्लाई होती है जो कि आपके सोफ़ा वाली शॉप्स पर मिल जाएंगी। तो उसकी मैंने 4 प्लाई करवाई है, उसके अंदर मैंने कपड़ा डलवाया अस्तर और उसको फ्लिपेबल करवा दिया। तो अगर किसी ने बैठना है कार में तो बैठ भी सकता, इतनी छोटी गाड़ी में अगर आपने काम करवाना तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें आराम से बंदा बैठ सकता है अगर इसके हम बेडशीट लगा दें, तो वैसे भी बैठ सकता है, बेडशीट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम मैंने करवाया। तो जैसे कि हमने
आपने वीडियोस में देखा कि कश्मीर का प्लान बन रहा है, कश्मीर में तो होगी बर्फ, तो वहाँ पे ज़रूरी है स्नो चेंज। तो जिन भाई लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ, अभी कुछ फाइनल नहीं, बट डेट्स थोड़ी मिसमैच हो रही हैं, मेरी अलग हैं, उनकी अलग हैं, तो जो भी आएगा जैसा भी रहेगा एक बार चलते हैं उन भाई लोगों से, आपको मिलाते हैं और अपना वहीं पर स्नो चेंज का काम कराते हैं। कुछ दिन पहले मैं जाके सदर से सामान ले आया था स्नो चेंज बनाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये मैं वीडियो की जो सीरीज़ एंड होगी, जो हमारा ट्रिप, उसके बाद बताऊँगा कि कितना खर्चा आया क्या है, क्योंकि अभी तो खर्चा चल ही रहा है, कुछ ख़त्म होने को नाम ले नहीं रहा। तो चलते हैं सीधा ड्राइव पे, वो भी कहाँ, गुड़गांव। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और भगवान करे कि अगले साल ज़रूर एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हम बनाएं। जैसे 2020 में पूरा प्लान था कि बाइक पर जाऊँगा थाईलैंड, बट वो प्लान कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से, और जो मैंने सेविंग्स कर रखी थी वो मैंने थोड़ी इधर उधर लगा दी, नए कैमरे में लगा दी, गाड़ी को लेने में लगा दी। छोटी सी ज़िंदगी है, इसी को बढ़िया से जी लो बस, और क्या चाहिए। देखेंगे 2021 में ज़रूर एक इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करेंगे। और अभी आजकल ना मेरे को ये सब व्लॉग्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी मैंने नई एक लाइफ स्टार्ट कर दी हो। तो कमेंट करना, लाइक करना, बस एक दो सेकंड लगते हैं। कुछ नहीं लिख पाओ तो यार कोई इमोजी दे जाना, इससे हमारी जो वीडियो है पुश होगी, और यूट्यूब भी ऐसी ही चीज़ों को पुश करता है, और नए नए हमारे व्यूवर्स आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि BTR फैमिली के नंबर्स और ज़्यादा बढ़े हो? चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो। तो भाई अभी हम आ गए हैं गुड़गांव सेक्टर 56 आ गए हैं। तो भाई से एक बार इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कौन हमारे साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अभी ये फाइनलाइज नहीं है, बट जा जरूर रहे हैं। ये नहीं पता कितनी तारीख निकलेगी। भाई मिल लो अपने अज्जू भाई से, गुड़गांव के मोस्ट फेमस यूट्यूबर भाई, कहां लाइफस्टाइल यूट्यूबर भाई, बहुत टाइम लगा दिया आने में यार। दिल्ली से आया। वैसे मेरे को कितने बजे फोन कर रहा था तू? 10 बजे कर रहा था, उठाई 11:30 बजे था, मगर यार लगता है कि मिस कॉल आ रही है। बाकी आज हो रहा है हमारा काम, ये कंप्लीट हो जाए, एक बंदा और आ रहा है। तो भाई अपने गुजर, और गुजर भाइयों से ना अपना काफी कनेक्शन, पहले से कनेक्शन रहा है, काफी कनेक्शन रहा है। तो मतलब चाहे वीडियो हो चाहे कुछ भी हो, एक कनेक्शन अपने बन जाता है, यहाँ सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते। इसकी बहुत टाइम से वीडियो देख रहा था भाई, लक्ष्य की मजा आ रहा था, मैं लक्ष्य को चंद्रताल भी गया था। मैं उसे सोच रहा था, मतलब मैं जब चंद्रताल गया था, भाई भी उन दोनों चंद्रताल थे, बट अपनी बोलचाल नहीं थी, मतलब वीडियोस मैंने इनकी नहीं देखी थी, कुछ दिन आने के बाद देखी थी। ऐसा था, तूने एडिटिंग वहीं करी थी, मैंने घर पे आके की थी। अच्छा, भाई ये फर्क हो गया। हाँ, ये फर्क हो गया। तो भाई से अभी कुछ दिन पहले मिले, तो भाई कहते कि साथ चलो, मैंने कहा भाई हमारा भी प्लान है कश्मीर का, तो भाई कहते जैल चल। तो भाई ये जो लैंग्वेज है ना गुजर, मतलब ये ना बड़ी मजेदार होती है सुनने में भी और बोलने में। तो भाई कुछ बोल के बताओ ना, और सुनो लक्ष्य क्या हाल चाल तेरे? सारे भाई गैल जाएंगे। हाँ सारे गैल चलेंगे ना, गैल चलेंगे सारे, और कुकर पाड़ेंगे, और कोई दिक्कत हो तो हम आगे देख लेंगे। तो भाई को मैंने पहले ना अपना जो वो था ना डिजाइन की कार में ऐसा कराना, मैंने यार बोला क्यों आफत पाल रहा था बे, मतलब मैं ये बोला कि बैड बनाना है, मगर जब क्यों आफत पाल रहा, मगर रहने दे यार बैड। किसने बोला नहीं मेरे को बनाना है भाई, बाकी इसने बोला था, पर भाई बनवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक नंबर चीज है, मजेदार मजा बन दिया तेने, कहती तेरी कसम, मैंने लगा नहीं था कि वह देख के कि भाई वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा। और तूने कर भी लिया। ब्लॉग में मैंने देखा कि भाई बेड बना रखे हैं, फिर मैंने देखा लग से तू तो 6 फीट हाइट है, तू कैसे आ गया यार, पर आ गया भाई। तो भाई अभी हम आ रखे हैं गुड़गांव 56 सेक्टर। तो भाई का स्नूजिंग का यहाँ काम चल रहा है, परसों मैं सारा लैचेट वगैरह छोड़ गया था, टो बेल्ट वगैरह छोड़ गया, सामान लाके दे दिया, मैं ले लूंगा भाई, बाकी काम करवा लूंगा। मैंने खड़ी करी चावड़ी में, दो बार तो क्रेन आ गई उसे उठा लेने का, नहीं नहीं भाई से मत उठा ना। तो भाई बोरी भर के मैं लेके आया, काफी भारी बोरी थी, तो सामान यहाँ पे भी पड़ा है। और एक बार मैं आपको सिनेमैटिक्स में दिखा देता हूँ स्नो चेन कैसे बन रही है। भाई बहुत ही बढ़िया काम है, बिल्कुल हल्का और काम भी हो जाएगा, तगड़ा काम है, पैसे में काम है, जो देखेंगे जब बन जाओगे प्रॉपर, जब समझ में आ गया। अभी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या गियर रखे बेल्ट, बाकी तो मेरे डर गया था तेरी बेल्ट ला के, मगर इतनी बेल्ट ने क्या कर रखा तू ये सामान भाई, इसमें ये रखा। अच्छा घर वाले सोच रहे थे मैंने कुछ नया काम कर लिया है, बोल रहे थे ये किस चीज ये बिकने के लिए लेके आया, मगर हाँ मैं भी सामान लाया, तो बंदा कहता क्या मोटर स्टोर में बेचोगे क्या, मैंने कहा नहीं है गाड़ियों पे लगेगा। अच्छा हाँ, अलॉय व्हील तो हमने लगवाई नहीं, तो ये वाले भाई ये मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही, ये है। अच्छा ये, अरे यो जुगाड़ यही के लिए मैं बोल रहा था तेरे से, अगर बैठना हो तो बंदा बैठ सकता है, थोड़ा अजीब लगेगा पर बैठ जाएगा। ना अजीब क्या लगेगा, बैठ ही जाएगा बेचारा जिसको बैठना हो, हम तो अपने गाड़ी चलाएंगे, बैठना तो भाई तुम अपने कंफर्टेबल देख। ऐसे यार बढ़िया तेरा भाई मतलब जो भी है यार, तो फिर खाना तन बना नहीं, वो वाले लगाएंगे रोटी, वो वाला जुगाड़ नहीं लाया तू भाई, तंदूरिया भी बुलाना पड़ेगा या तंदूरी ले चलेंगे, गैस अपने ज्यादा छोटा सा है। एक काम कर ले फिर, मैं अपनी ना खड़ी कर दूं, मैं सो तो जाऊंगा आराम। अभी हरियर भी आ रही है ना, कुछ हो रहा है। सुना तो होगा कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, दो दिन गाड़ी चलाई बेच दी दूसरी लेंगे, पसंद नहीं आई। सही बात है,
शौक हो तो ऐसे हो। देख वाली बात है, खाएंगे घी तो जावे, समझ गया। तो ये है अपने पास बढ़िया चीज, सीट बेल्ट कटर। ओ नहीं फूट जाएगा इससे, तो फोड़ने के लिए तो आई है। अभी फोड़ना है क्या? नहीं, अपने नहीं फोड़ने भाई। तो इससे सीट बेल्ट भी कट कर सकता हूँ, ये देखता हूँ कि होता नहीं होता। और भाई बहुत बढ़िया, तो ये शीशा तोड़ने के लिए और काटने के लिए है। तो मेरे को लग नहीं रहा है तू नसों काटने के लिए लेकर। भाई हम अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़े। अरे मेरे को पता है, काट दूंगा जल्दी, हाँ कर दे। बाकी यूज करके ऐसा है यार, यूज ही ना हो, ये बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज लाया मैं आग बुझाने के लिए, लोगों को आग लग रही है आजकल बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। जो कैंपिंग का आइडिया था ना, काफी फॉरेन यूट्यूबर से लिया गया था और इंडियन यूट्यूबर से लिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि रूफ टेंट लगा, तो रूफ टेंट पड़ता है बहुत महंगा, कम से कम 50-60 हज़ार रुपए। तो भाई काफी लोग, भाई हमारा आइडिया चुरा लिया, हमारा ही कर लिया। भाई आइडिया सबके रहते हैं, बट हमने चीज सबसे अलग करी है। एक बार पता, गाड़ी टोयोटा वालों ने बनाई है, फोर्ड वालों ने बनाई है। अब देखो मारुति ने बनाई, टोयोटा ने सेम बना दी, अर्बन क्रूजर। आइडिया दोनों चुराया भाई, कुछ चेंज कर दिया ना। ये लोगों का काम कहना सीधी, एक बार जितना लोग चिढ़ेंगे ना उतना तरक्की करेंगे। अरे चिढ़ते रहेंगे ना, चिढ़ते रहो, जड़ जड़ के काले हो गए। एक दिन फूक के सीधा जाओ, नोट बैठो अगला काम करो। ये हो गया ना, इधर लग गए, ये हो गया टाइट, अब दादा कहीं लग से सही है ना। अरे यार मैं बिना स्नो चैन के तो क्या था पिछली बार, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो मेरे टायर्स हैं वो रिम पे लगे हुए, अलॉय व्हील नहीं है, तो इसकी फिटिंग अलॉय व्हील वाली है। तो हम ऐसी फिटिंग बनाएंगे, कल को अगर मैंने अलॉय इसमें थोड़ा अपग्रेड करा तो अलॉय पे भी लग जाएंगे और रिम पे भी लग जाएंगे। रोड पे जब बर्फ में अपनी गाड़ियां चलेंगी ना स्नो चेंज के साथ, तो लुक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला। तो भाई एक बार इस तरफ से आएंगे तो एक बार दिखाता हूँ। बाकी यार ऐसा ना, एक बार चेक करना चाहिए, एक बार टूटेगा नहीं वो। कुछ नहीं हुआ, नहीं नीचे करके पूरा ये बस। और ये तो बहुत आसान है, ये नक्शे ही होते हैं, कट के इधर से हो गया ना। स्नो चेन हो चुकी है रेडी, अब है हमारी कार की बारी। तो अभी हम नाप दे के जा रहे हैं, स्टेपनी हमने यहाँ छोड़ दी है, कुछ खा लेंगे पी लेंगे जाके। और जो हन्नी भाई की गाड़ी है उनको पता नहीं कि भाई वो कौन सी गाड़ी अभी ले रहे हैं, तो अभी उसकी स्नो चेन का जो काम है होल्ड पे। तो उस स्टेपनी हमने यहाँ छोड़ दिया है, तब तक हम हो जाते हैं भाई अपना काम रेडी रखेंगे। डाग अच्छे हैं, नहीं हमको ऐड नहीं करनी सर पिक्सल की। टायर हमने छोड़ दिया है और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने, चेन वगैरह खत्म हो गई है। तो यार ये कॉन्सेप्ट है मेरे को बहुत बढ़िया लगा और मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा आपको चेन भी कैरी करनी नहीं पड़ेगी। तो अभी भाई को लेके चलते हैं और हार्डवेयर से सामान लेके देते हैं, तब तक अपना फटाफट बन जाएगा और उसके बाद जो हमारी जो प्रेपरेशन है वो 100% कम्प्लीट हो जाएंगी। तो भाई को बेल लेके चलते हैं साथ और फटाफट सामान लेके आते हैं। चल भाई अब जा रहे हैं बेल लेने। बेल मतलब यानी कि चैन। चैन तो अगर ये हमारी जो ड्राइव है वो सक्सेसफुल रही और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कहाँ गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी पानी पियेंगे, ठंडे पानी में नहाएंगे। और आप लोगों ने कंटेंट पसंद करा तो गोवा का भी प्लान बनाएंगे जल्द अगले साल। तो भाई चेन ढूंढते ढूंढते पता नहीं कौन सी गलियों में आ गए और यहाँ सारा वेल्डिंग और लोहे का ही काम चल रहा है। तो यहाँ से हमने चेन्स ले लिए और हम चल रहे हैं वापस, उसको ड्रॉप करेंगे और लंच करेंगे और उसके बाद ये व्लॉग एंड करेंगे ताकि टाइम से आज अपलोड हो जाए। भाई। अरे भाई मैं देख रहा था, मगर ये मेरी वाली नहीं लेके आया, नहीं मैं थक जाते आता हूं। मैं डायलॉग भी डाला मैंने, ए सही हूं। एक नीम नहीं आया था चाइनी की, वो टायर में हवा रहा उड़ जाता बंदा साथ में ऊपर। नहीं रे कोई भाई ने यहां पे ज्वाइन करा, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इनको कौन नहीं जानता। गौर से देखिए इंसान को, जो जो लक्ष्य के चैनल पे है ना, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं हनी शर्मा, क्या बताऊं यार, मैंने ना अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे अपनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। कॉमेडी स्केच बनाता हूं YouTube पे, रोमांटिक वीडियो ज्यादा बनाता हूं, अगर अच्छी लगे तो करना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भाई से मिला हूं मैं परसों। तो भाई अभी यहां पे स्नो चेन रेडी हो गई है, स्नैक ब्रेक के लिए चलते हैं और वहीं पे सारी बातें शातें करेंगे। मतलब काम हो गया, तेरा काम रह रहा है गाड़ी आ जान दो। गाड़ी आने मतलब इसकी सितारे के 1.5 महीने से गाड़ी आ जान दो। यार मेरे को पसंद नहीं आई थी वो गाड़ी, मैंने निकाल दी, नहीं पसंद थी। शोक भाई 2 दिन यूज करी, बेच दी। बाकी यार देखो अच्छा था भाई, शौक था भाई ने पूरा किया, उसको टाटा किया। बाकी हुड्डा की मार्केट चलते हैं, वहीं टॉक सबने कंप्लीट करेंगे। हाँ असली सेहत तो मैं बना रहा हूँ, बाकी हम तो भाई हल्का सा खाना खा रहे, दही जिम वाले हैं। हाँ तो मेरे को जिम जाना, इतने बड़े बड़े खा लेगा तू? ये देखने में ही है बस, है हल्के फुल्के ये।
घूमने चल रहे हैं, एक गोप्रो लेके चल रहे कम था वैसे, मतलब एक बड़ा बैग और छोटे छोटे तीन बैग है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा अजीब चल रहे हैं, हाँ मैं तो सिर्फ गोप्रो लेके चल रहा था। चलो ठीक है, तो स्नैक्स यहाँ पे खा लिए, चेने अभी रेडी हैं, पिक करना बाकी है, स्टेप नहीं आनी है कार में, भाई की गाड़ी की अभी बनी नहीं, स्नोचन की इनकी गाड़ी नहीं आई, यूनिवर्सल बनवा देंगे। तो भाई चले फिर, चले भाई। तो भाई मैं व्लॉग ना यहीं पे एंड करना चाहूंगा, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं राइट से, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।